रफ्तार। कोरोना के बढ़ते मामले देख सीएम योगी सतर्क, शादियों में अब शामिल हो सकेंगे केवल 100 लोग। यूपी में अवैध शराब निर्माताओं पर चलेगा चाबुक, राज्य सरकार का अवैध निर्माण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान, दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क। एक के बाद एक हत्याओं से थर्राया गाजियाबाद, अब महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। खुशामी में तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की भेंट चढ़ा एक और परिवार, झाड़ फूंक के चक्कर में पिता पुत्र की बलि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। और आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, लखनऊ में भी दो एनकाउंटर, दो घायल, 7 गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं यूपी लाइव, मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। कौशाम्बी जनपद में हुए पिता पुत्र के डबल मर्डर की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा 24 घंटे के भीतर कर दिया है। झाड़फूंक करने वाले बबलू ने पहले तो मासूम की बलि दी, जबकि तांत्रिक के कहने पर पति की हत्या गुलनाज ने की। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाया और दिल दहला देने वाली इस वारदात, ये वारदात पिपरी कोतवाली क्षेत्र के चायल कस्बे की है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि आरोपित गुलनाज अपने बहनोई बबलू के साथ मिलकर अक्सर बीमार रहने वाले पति और मासूम बच्चे के अंदर मौजूद भूत प्रेत को बाहर निकालना चाहती थी, और इसके लिए नौशे और गुलनाज ने साड़ू सफदर अली उर्फ बबलू को वारदात के 4 दिन पहले ही घर बुलाया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये कल एक सूचना हम लोग को मिली कि एक घर में एक पिता पुत्र की डेड बॉडी मिली है, और उसमें जो महिला है, जो मृतक की वाइफ है, वो घायल अवस्था में पड़ी है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची और तुरंत उस महिला को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और तुरंत हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट वहाँ मौके पहुँची, सभी अधिकारी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। वहाँ जो चीज़ें सामने आई वो ये देख के लगा कि ये तंत्र मंत्र का कुछ मामला समझ में आ रहा है। इन्होंने एक तांत्रिक प्रक्रिया शुरू की, उसके तहत, उस प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति में जो मृतक है वो नौशे, उसके अंदर से उन्हें भूत निकालना था। तो वो भूत निकालने के लिए इन लोगों ने फिर वो पूरा उसकी हत्या कर दी। उसी दौरान उन्होंने उसकी जो है इंटेस्टाइन जो है अतड़ियाँ वो भी बाहर निकाल दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। सभी अभियुक्तों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। और जो पुलिस टीम, इसमें हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे ढंग से सभी CO साहब लोगों ने, एडिशनल SP साहब लोगों ने किया और खासकर हमारी SOG टीम ने किया। सभी को हम लोग नगद पुरस्कार दे रहे हैं और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दे। चेहरा सामने आया है। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया, पिता और पुत्र की बलि दे दी गई। शेषधर तिवारी हमारे सहयोगी कौशाम्बी से फुल लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। शेषधर, अंधविश्वास का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां अंधविश्वास के चलते तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के पिता और पुत्र की बलि दे दी गई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, कौशाम्बी जनपद के पिपरी थाना के मनौरी कस्बे का मामला है। कतील अहमद, जो कि सिलाई कढ़ाई काम करता था, पत्नी और 3 बच्चों के साथ घर में रहता था, पर सकील घर पर उनके फतेहपुर जनपद हदगांव निवासी साढ़ू वकील अहमद का आना जरूरी जारी रहता था। वकील अहमद तंत्र मंत्र का काम करता था। वकील अहमद ने अपने साली से कहा कि घर में खजाना गड़ा हो, इसको निकालने के लिए बेटे की बलि देनी होगी। इस बात के लिए वकील कपिल की पत्नी अपने पति से बात करती, पति नहीं तैयार होता तो पहले सबसे पहले बेटे की बलि दी जाती है कि बेटे की बलि के बाद खजाना निकलेगा। लेकिन जैसे ही मामला होता तो फिर बेटे को बचाने के लिए कफील की आंख निकालते समय कफील की मौत हो जाती। पूरे नाटकी घटनाक्रम को जीजा साली मिलकर अंजाम देते हैं। जब सुबह गांव लोग जानकारी होती तो पत्नी, कफील की पत्नी घर में बेहोशी की हालत में लेटी रहती है।
स्थानीय लोगों सूचना पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद मौके पर पुलिस ने कई एंगलों से जांच करने के बाद तुरंत ही पुलिस को लग जाता है कहीं न कहीं इसमें तंत्र मंत्र का मामला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशिधर। गाजियाबाद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, एक के बाद एक हत्याओं से पूरा शहर थर्रा गया है। ताजा मामला मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र का है, जहां चंद कदमों की दूरी पर ही बंद कमरे में एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मधुबन बापूधाम थाने से चंद कदमों की दूरी पर ई ब्लॉक में सेकेंड फ्लोर पर रहने वाली प्रीति और सोनिया बुटीक का काम करती थी और सुबह उसका शव उसके कमरे में पाया गया। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि हत्या आपसी रंजिश या प्रेम प्रसंग से जोड़कर पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है और जल्द ही खुलासे की बात भी कह रही है। सुबह में अपने घर से आया था जैसे यहाँ, तो जैसे ही पहुंचा तो यहाँ देखा कि लोग खड़े हुए हैं, तो मैंने सर क्या हो गया, तो वो एक इधर से बच्चा आया दौड़ता हुआ, उसने कहा कि भैया ऊपर एक महिला का गला कटा हुआ है, मकान ही हमारा ही था। तो हमने देखा जाके तो महिला जो है मृत पड़ी हुई थी, खून में लथपथ थी वो। तुरंत हमने जो है एसओ साहब उनको इंचार्ज साहब को फ़ोन मारा, जयप्रकाश जी को, वो तुरंत दो मिनट में यहाँ पहुँच गए। फिर उन्होंने देखा कि हम उनके साथ गए तो ऊपर जाके देखा कि महिला जो मृत पड़ी है बिल्कुल। जैसे ही वो ऊपर से एक लड़का आया था दौड़ता हुआ, पानी वाला था, वो अपने बहन के कपड़े लेने गया ऊपर। अच्छा। वो सिलाई का काम करती थी ये महिला। अच्छा अच्छा। जैसे ये नीचे आया दौड़ता हुआ कि भैया ऐसे ऐसे वो वहाँ पे महिला मरी हुई पड़ी है, तो फिर मैंने तुरंत जो एसआई साहब को फ़ोन मारा, तो एसआई साहब तुरंत एक मिनट में यहाँ पहुँच गए बाइक से, फिर उनके साथ हम गए देखने के लिए, तो मृत पड़ी हुई थी। थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र की एक कॉलोनी में एक महिला का शव उसके घर से मिला है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा उसके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। तो गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बापू नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, फ्लैट में उसका शव मिला है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक हजार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक हत्यारोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, किस वजह से हत्या की गई, किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और किसने दिया इस वारदात को अंजाम, इस पूरे मामले की तफ्तीश में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से गाजियाबाद में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और अपराधियों के हौसले, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस को चुनौती दे रहे हैं लगातार बदमाश, लेकिन धरपकड़ से दूर हैं। घंटों बीत चुके हैं इस पूरी वारदात को हुए, पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। जावेद चौधरी हमारे से होगी गाजियाबाद से, इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, ये जो घटना सामने आ रही है गाजियाबाद से, बेहद हैरान करने वाली है। एक महिला का शव मिलता है फ्लैट के अंदर, धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की जाती है। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर निकल कर सामने आ रहा है, क्या हत्यारोपियों तक पहुंच पाई है पुलिस? हम थाने को बने हुए अभी चार दिन हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर लगातार दो हत्याओं से थर्रा उठा है, क्योंकि जिस तरीके से मधुबन के ई ब्लॉक में एक महिला का कमरे में धारदार हत्या से कटा हुआ
शरीर जो बॉडी सब मिला है कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी साबित हुई है, क्योंकि दो दिन पहले भी एक व्यक्ति की गलत दबा कर हत्या कर पेड़ पर सबको लटका दिया गया था। वही इस महिला की जो हत्या की गई है, हालांकि जो कमरा वो महिला जो थी बुटीक का काम करती थी और अपने कमरे में ई ब्लॉक पर सेकंड फ्लोर में रहा करती थी, और जैसे ही सुबह एक दूध वाला वहां पहुंचा तो कमरा नहीं खुला था और जैसे ही उन्होंने देखा ब्लड उसका बाहर बह रहा था, उसने इस मामले की सूचना फ्लैट मालिक को दी और फ्लैट मालिक मौके पर पहुंचा, उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर सोने मामले की गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है और जल्द खुलासे की बात भी कर रही है। जी जावेद, क्या घटनास्थल से मौके वारदात से कोई सबूत पुलिस के हाथ लगा है? फिलहाल पुलिस पूरी गहनता की जांच पड़ताल कर रही है, डॉग स्क्वाड की सहायता से ऐसे कोई सबूत तलाश कर रही है जिससे महिला की हत्या का जल्द खुलासा हो जाए। फिलहाल जो महिला का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और तमाम तरह के कई बिंदुओं पर खुलासे के प्रयास में लगी है, फिलहाल देख रही है कि ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे जल्द से खुलासे इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद। वही राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में स्थित होटल रणवीर इन दिनों अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि इस होटल में ग्राहकों के साथ मारपीट और लूटपाट की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस घिनौने खेल में पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत है। आरोप है कि किसान यूनियन के एक सदस्य ने जब होटल में अवैध गतिविधियों की तस्वीरें लेनी चाही तो उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया और हंगामे के बाद पुलिस तो पहुंची लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। इसी के चलते अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस उपायुक्त पूर्वी को ज्ञापन देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मुद्दा अभी पिछली 19 तारीख को एक सहारा के सामने होटल है रणवीर, उसमें पार्टी चल रही थी और रात 12-1 बजे शराब का सेवन किया जा रहा था एक होटल के अंदर। ऐसे कई होटल हैं गोमती नगर में और लखनऊ के अंदर जहाँ पर डे नाइट जो है ये कार्यक्रम चलता है। नशे से हमारा देश, हमारे देश का युवा सब बर्बाद है। पूरी राजनीति आप देख रहे हैं, अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या होता है, प्रधान या हो या विधायक हो या सांसद हो जो चुने जाते हैं वो नशे की वजह से गलत प्रतिनिधि चुना जाता है और इस नशे की वजह से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ सचिन, बेहद गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं होटल प्रशासन के साथ ही साथ पुलिस के ऊपर भी, जिस तरीके से यहां मारपीट होती है ग्राहकों के साथ लोगों के साथ, ये किसान नेता ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या वजह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जी रीति, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी ने पुलिस उपायुक्त पूर्वी को ज्ञापन देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि बीती रात पीड़ित अमित शर्मा जो कि यूनियन का एक सदस्य भी है वो रिसेप्शन की पार्टी में शामिल होने के लिए होटल रणवीर गया था। वहां 11 बजे खाना खाने के बाद पानी ना मिलने पर होटल के एक अन्य कमरे में पानी लेने गया जहां अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ था और उन्हें अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। अदिति, आपको बताना चाहेंगे होटल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे इस अवैध व्यवसाय का अमित शर्मा मोबाइल से वीडियो बनाता है। इसी बीच एक होटल का जो वेटर है वो वीडियो बनाते हैं, उन्हें देख लेता है, जिससे होटल प्रबंधन अपने साथियों के साथ, होटल का जो प्रबंधक है अपने साथियों के साथ जाता है और उन्हें बंधक बना लेता है और उनसे मोबाइल छीन कर उसे तोड़ दिया जाता है, सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। विरोध करने पर मारपीट भी की जाती है। मौके पर पुलिस तो पहुंचती है लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यही देखी जा रही है कि मौके पर पुलिस तो पहुंचती है और बंधक बनाए गए अमित शर्मा को छुड़ा लिया जाता है लेकिन उनकी तहरीर ना ली जाती है और ना ही FIR दर्ज की जाती, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जी अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो
या हो राज काज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव। के बाद स्वागत है एक बार फिर। 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना के तहत परियोजना का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सोनभद्र जिले के 2 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से वार्ता करेंगे। इसको लेकर मेयोपुर विकासखंड के कोटा ग्राम पंचायत में तैयारियां जोरों पर हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि इस योजना से गांव में पानी की समस्या दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। वहीं एसडीएम ने बताया कि दुद्धी तहसील के 4 स्थानों पर डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। यहां कोटा ग्राम पंचायत में 500 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था कोविड-19 के नियमों के तहत की जा रही है। उत्सुक हैं इसलिए कि हम लोग स्वस्थ शुद्ध जल मिल रहा है पे के। हमारे यहाँ शुद्ध जल नहीं मिल रहा था, यहाँ के बहुत बीमारी से ग्रसित लोग थे, गैस के बीमारी से। जो पानी चापाकल का हैंडपम्प का जो हम लोग पीते हैं वो प्रदूषित है, पानी निकालने पर भी उसमें सफ़ेद सफ़ेद बैठ जाता है या उसका कलर रंग चेंज हो जाता है। इसलिए पानी शुद्ध मिलेगा तो हमारी जनता स्वस्थ रहेगी और हमारी कोटा ग्राम से सभी जनता बहुत उत्सुक, बहुत उत्साह है। प्रधानमंत्री को बहुत बधाई है इसके लिए। 1389 गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 नवम्बर को उसका उद्घाटन होना है। और जो हम हर घर को नल की जो प्रोग्राम है जल मिशन के अंतर्गत, जिसमें जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है 22 नवंबर को नंदरौल डैम के पास, उसी के साथ ही साथ जो हमारे तहसील दुद्धी क्षेत्र में 4 स्थान ऐसे हैं चिन्हित किए गए हैं जहां पर भूमि पूजन के साथ साथ कार्यक्रम का यहां पे लोगों को बैठने 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जानी है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटली यहाँ की जो हमारी जनता हैं खासकर महिलाएँ हैं उनसे, क्योंकि महिलाओं को पानी की ज़्यादा समस्या होती है, उनको फेस करना पड़ता है घर में, तो उनसे बात करेंगे और क्या पहले क्या समस्या थी और इस परियोजना के बन जाने के बाद क्या सुविधाएं, क्या उनके लिए सहूलियत होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। पीलीभीत में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें 7 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। 8 महिला स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत करने पर जोर दिया और इस कार्यक्रम का आयोजन जिले के गांधी स्टेडियम परिसर में किया गया। पीलीभीत में गांधी स्टेडियम में रोजगार मेले का शुरुआत करी गई है। एक दिवसीय मेला है जिसमें तमाम विभागों के स्टॉल लगे हैं और जितनी भी रोजगार परक योजनाएं हैं, चाहे वो बैंकों से संबंधित स्वरोजगार की योजनाएं हों चाहे अन्य विभागों से संबंधित हों, उनके अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो प्रशिक्षार्थी यहाँ पे आए हैं, जो युवक युवतियाँ आए हैं, उनको उसकी जानकारी दी जा रही है योजनाओं की, और ना केवल जानकारी बल्कि कैसे जुड़ना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, फॉर्म कैसे मिलेगा, इस सब के बारे में भी उनको अवगत कराते हुए योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। और अब खबर मथुरा से, जहां गोवर्धन कस्बा के गिरिराज बाग के पीछे जंगल में बने आश्रम में 3 साधुओं के जहर खाने का मामला सामने आ रहा है, जहां 2 साधुओं की चाय पीने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक साधु को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक साधु के भाई का कहना है कि आश्रम में जहरीली दवाइयों की बदबू आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने 2 मृतक साधु गोपाल दास और श्याम सुंदर दास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपके इस नंबर पे, आपका नंबर पे फोन आया कि इसके सांस चल रही है और परेशानी है, और थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो खत्म हो गई। अच्छा, ये यहाँ पर किस रहते थे? ये महात्मा थे 4 साल से, और यहाँ हमारे गांव का महात्मा था, वो भी रहता था, उसके पास यहाँ के आए और सुबह हमें तो मृत्यु वहीं मिली। ऐसा है कि 9 बजे के करीब एक एम्बुलेंस आई थी,
एक पेशेंट ले गया, जब उसको चेक किया तो वो ब्रॉड डेड था, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसके संग आए लोगों ने बताया कि जो है उसने चाय पी है, उसमें कुछ मिला दिया है किसी ने, या उसने स्वयं कर लिया है, ये एक जांच का विषय है, एक अलग है। उसके बाद हमने थाने को सूचना दी, थाने से इंस्पेक्टर साहब आए, इंस्पेक्टर साहब के आने के बाद वो उन्होंने देखा, और देखने के बाद वो उस आश्रम में गए, गिराज आश्रम में पीछे गोवर्धन में, वहाँ पर गए तो वहाँ पर ये उसके संग और बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने बताया एक बॉडी और मिली है। और इसी बीच में एम्बुलेंस दोबारा से तीसरा पेशेंट लेके आई, और वो पेशेंट थोड़ा मतलब गंभीर हालत में थे, वो उसको हमने जिला अस्पताल मथुरा रेफर कर दिया है। भले ही आज भी कोरोना का खौफ लोगों के मन में हो, लेकिन आस्था का महापर्व छठ कोरोना पर भारी पड़ा। गोरखपुर में नदियों, तालाबों, सरोवर किनारे लोगों की भारी भीड़ रही। वहीं बाराबंकी में शनिवार सुबह शहर के नागेश्वर नाथ धाम सरोवर में छठ पूजा के मौके पर व्रती महिलाओं ने सुबह से ही पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। साथ ही बाराबंकी में महापर्व के अंतिम दिन की शुरुआत बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं और पुरुष सरोवर पर पहुंचकर उगते सूरज को अर्घ देकर अपने अपने व्रत का समापन कर रहे। बलरामपुर चीनी मिल सरोवर, झारखंडी सरोवर और तुलसीपुर चीनी मिल सहित देवीपाटन मंदिर के सरोवर में उगते सूरज को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं और पुरुष पहुंचे थे। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां कोरोना पर श्रद्धा किस तरीके से भारी पड़ी ये देखा आपने। वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने कानून के रखवालों को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। घटना नवदिया बंकी गांव की है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बेरहमी से अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है। इसकी सूचना पर थाने के इंस्पेक्टर सीपी सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस कुछ समझ पाती इससे पहले युवक ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इसमें थाने के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस का सिपाही घायल हो गया, और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के लिए रेफर किया गया। यहां सिपाही की हालत गंभीर बनी हुई है। वही हमला करने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गया, और पुलिस ने आरोपी हमलावर युवक को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमें गठित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एक परविंदर सिंह उर्फ काला नाम का व्यक्ति है, जो जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो नशे का आदी है, और आज अचानक कुछ फिट ऑफ रेज में उसने अपने घर वालों को मारना पीटना शुरू किया था। जब उन्होंने सूचना दी तो तत्काल थाने की पुलिस और 112 की गाड़ी वहां गई, तो उसी फिट ऑफ रेज में उसने पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की और गाड़ी को नुकसान भी किया है। उसके बाद पर्याप्त पुलिस बल भेज के किसी तरह से उसको ओवरपावर किया गया और उसको ट्रैंकुलाइजर वगैरह दिया गया है CHC में, और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में मसूरी थाना इलाके में गुमशुदा हुए व्यापारी का शव जंगल में उसकी ही गाड़ी में बरामद हुआ। हत्या की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे से सटे होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास पत्नी का इलाज कराने गए गांव हवलहापुर निवासी युवक रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हो गया था, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे और परिजनों ने युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस तहरीर के आधार पर युवक की तलाश कर रही थी, और इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि डासना के उस्मान कॉलोनी में एक गाड़ी में युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो शव व्यापारी का निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मेरा भाई राशिद अली है, ये कल अपनी घरवाली को डॉक्टर के दिखाने के लिए मसूरी आया, मसूरी हॉस्पिटल होली क्रॉस हॉस्पिटल में टाँगे कटवाने के लिए आया। उसे घरवाले को बिठा के उनको किसी का फोन आया इसके पास, कहा कि 20 मिनट में वापस आ गया। उसके बाद से मेरा भाई गायब है, जो हमारा उसके बाद से ना इसका नंबर लगा ना इसको कोई बात का फोन आया। हाँ, किसी ना किसी मट्टी वाले का फोन आया है। कल रात से मट्टी वाले का कोई फोन आ रहा था कि ऐसे से क्या काम करते थे। हम मट्टी का काम करते हैं, भराव का काम करते हैं। बलरामपुर में एक केस की जांच करने गई पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि थाना ललिया क्षेत्र के
उपटहवा गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जहां करीब 25 साल पहले गांव की एक महिला ने 3200 रुपए में अपनी जमीन पड़ोसी के पास गिरवी रखी थी। अब वो उस जमीन को पैसे देकर छुड़ाना चाहती थी, लेकिन विपक्षियों ने जमीन को छोड़ने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर जांच के लिए पुलिस टीम गांव पहुंची थी। पूछताछ के दौरान ही आरोपी पक्ष के दर्जन भर लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इसके बाद पुलिस ने 9 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है। पांडे उपनिरीक्षक एक विवेचना कर रहे थे, जिसकी अपराध संख्या 237/2020 है। अपने हमराहियों आदि के साथ ग्राम उपटहवा गए थे, जहाँ पर वादी एवं प्रतिवादी के साथ साक्ष के अनुक्रम में उनके द्वारा वार्ता की जा रही थी। वार्ता के उपरांत विपक्षी गण मोनू मिश्रा एवं अन्य आदि के द्वारा लाठी डंडा से लैस होकर के पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया, जिसमें तत्काल थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रचलित है। मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। वही प्रतापगढ़ के विनायका गांव में पुलिस ने 150,000 के इनामी पूर्व प्रमुख का यदुवंशी किला ढा दिया। पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी की अगुवाई में चल रही कार्यवाही में फरार चल रहे सभापति यादव के घर कुर्की कार्रवाई की गई। अदालत के आदेश पर एएसपी की अगुवाई में भारी पुलिस बल और 3 जेसीबी के साथ पुलिस ने कार्रवाई की। गेट और बाउंड्री ढहाकर घर के अंदर घुसी पुलिस ने घर की खिड़की दरवाजे भी उखाड़ दिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव पर डीजीपी ने 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और पूर्व प्रमुख सभापति यादव और उसका भाई पुलिस पर हमला और लूट समेत कई मामलों में फरार चल रहे हैं। आपको बताते चलें कि सभापति यादव के भांजे ने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के एनकाउंटर का ऐलान किया था और हालांकि सभापति यादव आसपुर देवसरा और उसके सीमावर्ती थानों में लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं। इसी के साथ यूपी लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में हटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे